सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सबका मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी। आप सबने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आज मैं आपको एक चटपटी चटनी बता रही हूँ। मुझे यकीन है कि ये चटनी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो देखते हैं हम लोग। ये सिंगदाना है, मैंने भून के रखा है, और ये तिल है, ये भी मैंने भून के रखा है, और सूखा खोपरा, जीरा है एक चम्मच, ये लहसुन है, ये एक टेबलस्पून ऑयल है, और ये नमक, और ये है रेड कलर की कश्मीरी चिली पाउडर है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो चलिए आज हम ये चटपटी चटनी कैसे बनती है। हम सभी को एक साथ नहीं पीस रहे हैं, पहले सिंगदाना, तिल और सूखा खोपरा वन बाय वन इसको पीस के रखेंगे। मैं बताती हूँ चलिए। और ये आपने सोचा होगा ये तेल कैसे लिया है मैंने ऑयल, बट ये ऑयल हम जब डालते हैं चटनी में तो बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। तो चलिए बताती हूँ मैं। देखिए तीनों चीज़ों को पीस कर मैंने इस तरह बोल में रखा है। इसमें सूखा खोपरा, तिल और सिंगदाना सभी चीज़ों को पीस लिया है। अभी हम इसमें ये मिर्च पाउडर हमारे मिक्स करते हैं, ये जीरा, लहसुन में डाल रहे हैं। नमक अपने स्वादानुसार डालिए आप, और ये तेल भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी ये सभी चीज़ों को हमें साथ में मिक्सर में एक या दो बार ही पीसना है, तो हम पीसते हैं सभी को साथ में। देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, आप भी इसे ज़रूर बनाइए। और आपको अगर इसकी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।